हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करना होगा। तो एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चीज़ कवर करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कमेंट शेयर भी करना। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आपको क्या करना है कि आपको कॉमेंट सेक्शन में जाके और डाउट को मैंशन करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करूंगा, फिर मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड जेस हमें इंस्टॉल करना होगा हमारे सिस्टम में, जो कि ये ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज़ है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। इसको हमें इंस्टॉल करना ही होगा। अगर इसको इंस्टॉल नहीं किए तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि npm पैकेजेस भी इसके थ्रू इंस्टॉल होता है। जैसे हम नोड जेस इंस्टॉल करते हैं तब जाके npm भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाता है। npm पैकेजेस आप देख सकते हैं, npm इज़ ए नोड जेस पैकेज मैनेजर फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज़ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड विथ node.js। वो ऑटोमेटिकली उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद क्या है, टाइप स्क्रिप्ट। ये टाइप स्क्रिप्ट क्या है, ये एक लैंग्वेज है जो कि एंगुलर यूज़ करता है। अगर एंगुलर में हम ts फाइल आप देख सकते हैं, एंगुलर में अगर हम क्रिएट करते कंपोनेंट तो चार फाइल जनरेट होता है, एक css, एक html और एक spec.ts और एक app component.ts। ये चार होता है। तो ये ts क्या है, ये टाइप स्क्रिप्ट फाइल है और ये एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज ही हमें यूज़ करना होता है। उसके बाद क्या है, एंगुलर cli। cli मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ये क्या है, इट इज़ ए टूल दैट अलाउ अस टू क्रिएट ए प्रोजेक्ट, बिल्ड एंड रन इट ऑन डेवलपमेंट सर्वर डायरेक्टली यूजिंग कमांड लाइन। कमांड लाइन इंटरफेस ये हमें इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि एंगुलर में हमें कमांड ही यूज़ करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हमें कंपोनेंट जनरेट करना है तो ng जनरेट c कंपोनेंट नेम ये डालना होता है। ये सब क्या है, कमांड है, तो एंगुलर कमांड लाइन लैंग्वेज यूज़ करता है। तो इसके लिए हमें cli इंस्टॉल करना होगा हमारे सिस्टम में। अगर उसको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड आप देख सकते हैं यहाँ पे है, npm space install space -g space @angular/cli। ये आपको इंस्टॉल करना होगा अपने PC में। तो चलिए अभी क्या है, स्टेप वन क्या है, हमें इंस्टॉल करना है node.js, जैसे आपको मैंने बताया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे node.js.org, ये साइट ये सर्च करना है अपने ब्राउज़र में और आपको ये इंटरफेस शो करेगा। इसमें जाके आपको LTS ये आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद अब क्या करना होगा, हमें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे सिस्टम में, क्योंकि इसके अंदर ही हम कोडिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं code.visualstudio.com, इसे सर्च करना है अपने ब्राउज़र में तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। उसमें जाके आपको इस डाउनलोड फॉर विंडोज़ में जाके क्लिक करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है अपना, ओके। तो उसमें जाके आपको क्या करना है, अपने जो आपने इंस्टॉल किया node.js उसका वर्जन चेक करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, node:-v ये आपको टाइप करना है, तभी आपको अपना वर्जन का जो भी वर्जन होगा शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा वर्जन है 10.16.0। उसके बाद क्या है, आपको यूज़ npm टू इंस्टॉल एंगुलर cli। अभी हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में हमें एंगुलर का cli इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे npm install -g @angular/cli, और ये दोनों में से आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो ये यूज़ करने वाला हूँ, इसका मुझे पता नहीं, ये मैं यूज़ करता नहीं, ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने ये वाला कमांड यूज़ किया, ओके चलेगा, इट्स ओके। तो आपको ये कमांड टाइप करना है, जैसे आप कमांड टाइप करोगे तो आपका cli इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि वो cli आपका कौन सा वर्जन का इंस्टॉल हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करना है, इस कमांड को यूज़ करना है, ng --version। तो इससे क्या होगा, देखो ऐसा इंटरफेस आपको शो कर जाएगा इसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cli का जो वर्जन है वो दे दिया है, यहाँ 8.1.0 नोड का दे दिया है, OS एंगुलर ब्लाब्ला बहुत सारे ये दे दिए। तो ये कमांड यूज़ करना होगा अपने cli को देखने के लिए। तो ये हो गया एंगुलर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फोल्डर्स, हमें जब क्रिएट करते एक प्रोजेक्ट तो उसके कितने सारे फोल्डर्स आते हैं, हर एक फोल्डर का अपना अपना एक मतलब होता है। तो सारे के सारे फोल्डर्स हम देखने वाले एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सीखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है,
तो आपको क्या, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो आपको सबसे पहले आप नोटिफिकेशन आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर